अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बच्चों आपके बायोलॉजी का लेक्चर है। कल हम लोगों ने कुरान एंड बायोलॉजी को पढ़ा था, आज से ज़्यादा हम लोगों ने पढ़ लिया था, आज उसको आगे से कंटिन्यू करते हैं। आज के जो वर्स है, ये जो वर्स है ये सूरह अल-नूर की है और वर्स नंबर 45 है। इस वर्स में अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह हैद, HATH जो है ये ओल्ड लैंग्वेज है, इसका मतलब हैज ही होता है। अल्लाह हैड क्रिएटेड एवरी एनिमल फ्रॉम वाटर, अल्लाह ने हर चीज़ पानी से बनाई है। देन सम ऑफ देम क्रीप अप ओवर देयर बॉडीज, अब उनमें से जितने भी जानवर अल्लाह ताला ने बनाए हैं, कुछ जो है वो अपने पेट के बल रेंगते हैं, अदर्स वॉक ऑन टू लेग्स, कुछ अपनी दो टांगों पे चलने वाले जानवर हैं, जैसे टेक्निकली वी आर एनिमल तो हम दो टांगों पे चलते हैं, एंड अदर्स ऑन फोर, और कुछ जो छुपाए हैं जो चार टांगों पे चलने वाले जानवर हैं वो। अल्लाह क्रिएट्स व्हाट ही प्लीजेस, अल्लाह हर वो चीज़ बना देता है जिससे वो खुश होता है। इस अगर आप वर्स पे थोड़ा सा गौर करें तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे क्लासिफाई किया है जानवरों को, कि कुछ जो जानवर हैं उनको आप लोग ग्रुप्स करके क्लासिफाई कर सकते हैं, कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि वो दो टांगों पे चलते हैं, कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि वो चार टांगों पे चलते हैं, और कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि वो अपने पेट के बल रेंगते हैं। मतलब रेप्टाइल्स की बात हो रही है यहाँ पे मैमल्स की बात हो रही है, और यहाँ पे इंसानों की बात हो रही है, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन की का जो कॉन्सेप्ट है, अगले वाले चैप्टर में जाके आप लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, आई थिंक तो चैप्टर नंबर 3 है वो आपका, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। तो उसमें आप देखेंगे कि क्लासिफाई किन कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पे साइंटिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे इस वर्स के अंदर भी हमें हिंट्स मिलते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो है वो कुरान एंड बायोलॉजी को आप देख सकते हो, कुरान पाक में जो चीज़ बताई हुई है बायो में भी हम वही करते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर आपका टॉपिक है मुस्लिम साइंटिस्ट, मुस्लिम जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बड़ा अहम रोल प्ले किया हुआ है साइंस के अंदर, इनकी जो है वो कामयाबी के बड़े कारनामे हैं। तो आज जो है वो हम 3 साइंटिस्ट को देखेंगे। सबसे पहला जावेद बिन हयान है। जावेद बिन हयान जो है ही वाज अ फिजिशियन, उसने जो है वो मेडिसिन की प्रैक्टिस की थी। वो ईरान में बेसिकली पैदा हुआ था। ईरान और इराक आपको पता है बॉर्डर सेम ही है, वो साथ साथ नेबरिंग कंट्रीज हैं। तो जो जावेद बिन हयान है ये ईरान में पैदा हुआ था, और इसने जो मेडिसिन की प्रैक्टिस है लाइक एज ए जो फिजिशियन था वो इराक के अंदर जो है वो अपना एज ए फिजिशियन अपनी प्रैक्टिस करता रहा था। इसके अलावा जावेद बिन हयान, आपको पता है कि जावेद बिन हयान ने H2SO4 भी डिस्कवर किया था, और कुछ एसिड्स के ऊपर भी इसने काम किया हुआ है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल जो इन्वेस्टिगेशन है केमिस्ट्री के अंदर जावेद बिन हयान ने की थी, और इसने 2 बुक्स लिखी थी, एक अल नबतात और दूसरा अल हैवान, ठीक है। अल नबतात, नबतात पौधों को कहा जाता है, तो एक उसने पौधों के ऊपर जो है वो बुक लिखी थी, और दूसरी उसने हैवान जो है वो जानवरों को कहा जाता है, दूसरी बुक इसने जानवरों के ऊपर लिखी थी। अगला जो जो साइंटिस्ट है वो अब्दुल मालिक असमाए है, ठीक है। इसका जो ईयर था वो 742-828 AD आफ्टर द डेथ ऑफ द क्राइस्ट, ठीक है, आप याद रखते हैं इसका ईयर। इसने एनिमल्स के ऊपर बड़ा डिटेल्ड काम किया था अब्दुल मालिक असमाई ने, ठीक है। तो इसने बुक्स लिखी थी अल अबीर, जो कि कैमल के ऊपर इसने पूरी किताब लिख दी थी, फिर अल खेर हॉर्स के ऊपर इसने पूरी किताब लिख दी थी, अल बहूश एनिमल्स के बारे में इसने लिखी थी, और इसके अलावा कलक अल इंसान और इंसानों के ऊपर इसने किताब लिखी थी। तो ये इसकी बुक्स हैं, ठीक है। आपने बताना है कि अब्दुल मालिक असमाई जो है इसने एनिमल्स के ऊपर बड़ा डिटेल्ड काम किया था, और इसकी बुक्स के नाम याद रखना है। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है अबू अल सीना है। इसका ईयर जो है वो 982-1037 है AD आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट, ठीक है। याद रखना आपने BC और AD का आपको फर्क पता होना चाहिए। अबू अल सीना वाज द फाउंडर ऑफ द मेडिसिन, ये इसका बड़ा ही ज़्यादा नाम है वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, ये मेडिसिन का फाउंडर था, ठीक है, बानी था मेडिसिन का, और वेस्ट वाले इसको अबू अल सीना नहीं कहते बल्कि अली सीना कहते हैं, ठीक है। वेस्ट में जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहाँ पे अबू अल सीना जो है ही वाज अ मुस्लिम साइंटिस्ट, तो वेस्ट वाले इसको अली सीना के नाम से जानते हैं। ये फिजिशियन था लाइक ही वाज अ डॉक्टर, ये फिलोसोफर था, एस्ट्रोनॉमर था, माहिर फिलकियात भी था, ठीक है, और ये पोइट भी था। और इनकी जो बुक्स थी वो अल कानून फिल तिब एक थी, जिसको कैनन ऑफ मेडिसिन इन द वेस्ट, ठीक है, अल कानून फिल तिब उन्होंने उनकी बुक का नाम था, लेकिन वेस्ट में सिर्फ कैनन के नाम से जो है ना वो उसको रिकगनाइज किया जाता है, कैनन ऑफ मेडिसिन के नाम से उसको रिकगनाइज किया जाता है वेस्ट में। ये 3 मुस्लिम साइंटिस्ट थे स्टूडेंट, इनके ऊपर अलग अलग 2-2 नंबर का
शॉर्ट क्वेश्चन भी याद रहता है और 5 या 4 नंबर का पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन भी याद रहता है। तो पीछे जो हमने बायोलॉजी और कुरान पढ़ा है, कुरान एंड बायोलॉजी, उसके ऊपर भी एक पूरा नोट आता है 5 मार्क्स का, उसको भी आपने ऐसे लॉन्ग याद करना है और इसको शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिहाज से याद करना है। इसको आपने लिखना भी अपनी बुक के ऊपर, आप नोटबुक के ऊपर, आप लोग नोट्स भी साथ साथ बना रहे हैं और इसको याद भी करना है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हुआ बच्चों आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। कल इंशाल्लाह हम लोग जो है लेवल 2 फॉर्मलाइजेशन स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।